इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद अ वीडियो ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक एंड सानिया मिर्जा वेंट वायरल। इस वीडियो को लेकर सानिया मिर्जा और वीना मलिक के बीच में हुई सोशल मीडिया पर काफी बड़ी बहस। लेट्स टेल यू व्हाट ऑल हैपेंड। इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद पाकिस्तानी फैंस के निशाने पर है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। पाकिस्तान की हार के बाद से सोशल मीडिया पर शोएब मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ डिनर करते दिख रहे हैं। फैंस का आरोप था कि शोएब मैच से ठीक पहले पार्टी कर रहे थे, जिसके बाद शोएब ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इस पूरे वीडियो पर क्लैरिफिकेशन दिया। वहीं सानिया मिर्जा को टारगेट करते हुए वीना मलिक ने कुछ मैसेज पोस्ट किए, जिसके बाद सानिया मिर्जा ने उसका जवाब दिया और वीना सानिया का ये कॉन्वर्सेशन अब हर जगह वायरल हो गया है। यू नो इट्स रियली अनफेयर कि जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है या कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान होता है, ऑलवेज सानिया मिर्जा एंड्स अप गेटिंग ट्रोल्ड फॉर वेरियस रीजंस। एंड ऑल्सो वी नो दैट सानिया मिर्जा कैसे इज वेरी वोकल एंड एक्टिव ऑन ट्विटर, एंड शी कैन ऑफ हैज टू टेक अ ब्रेक एवरी नाउ एंड देन बिकॉज शी नीड्स टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दैट नेगेटिविटी। हर बार उनसे पूछा जाता है अबाउट हर लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन, शी डजंट नीड टू प्रूव ऑल ऑफ दिस। और इस बार जब इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ, जहां पूरा इंडिया रिजॉयस कर रहा था इंडियाज विन, वहीं पर ट्रोलिंग शुरू हुई ऑन द पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक। जो वीडियो हुआ वायरल एट अ डिनर जहां पर सानिया मिर्जा भी नजर आई, एंड देन द सीरीज ऑफ ट्रोल्स जस्ट बिगैन फ्रॉम देयर ऑन। एब्सोल्युटली सागा, एंड आई हैव टू से नॉट ओनली द प्रॉब्लम हियर इज कि यहाँ पर सानिया मिर्जा गेट्स ट्रोल एवरी टाइम, बट ऑल्सो द फैक्ट कि यहाँ पर जो क्रिकेटर्स को जो हम लोगों ने एक प्लेस दे रखी है, भले वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, दे आर सेलिब्रेटेड एज हीरोज, बट द मिनट इफ समथिंग वर टू गो रॉन्ग ऑन द पिच, वहां पर उनको उनके घर पे पत्थर फेंके जाते हैं, उनको फैमिलीज को ड्रैग किया जाता है। एग्जैक्टली, मतलब उनको थ्रेट कॉल्स मिलते हैं। आई मीन द फैक्ट इज कि भले हमारी पड़ोसी देश ये कर रही हो या हम ये कर रहे हो, इट इज नॉट ओके जस्ट बिकॉज राइट नाउ वी आर रिजॉइसिंग, things are different for us. Yes. Lekin I'm very sure ki agar ek Indian cricketer was also found somewhere where he shouldn't have been, the same questions might have happened here also. So it's also this trend jo chala aa raha hai ki it's okay to get into somebody's personal life, and I have to believe here Saga ki cricketers apna kaam kar rahe hain. Ultimately it's the captain's call to hold them up to their word, and yahan par kahin par bhi nahi likha hua hai manual par ki aap dinner karne nahi ja sakte ya aap drinks nahi kar sakte, especially once you've played the match after losing. This was 39, that's what Shoaib Malik अकाउंट ऑल्सो सेज, ही सेज कि ये जो वीडियो है ये 15 जून को नहीं है था, ये वीडियो 13 जून का है। एंड ही ऑल्सो मेंशन कि कैसे इट्स वेरी सैड आफ्टर बीइंग इन द बिजनेस, आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट फॉर पाकिस्तान फॉर 20 इयर्स, आई स्टिल हैव टू क्लैरिफाई दिस। लेकिन होता ये ना गुंजन कि आजकल वी ऑल नो दैट व्हेनेवर देयर इज अ इंडिया पाकिस्तान मैच द होल नेशन स्टॉप्स, एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेरेवर देयर आर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज दे काइंड ऑफ स्टॉप एंड वॉच दिस मैच। तो एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है, एंड लाइक क्रिकेटर्स नॉर्मली से कि कैसे लोगों ने हाइप क्रिएट कर रखा है, इट फील्स लाइक दे आर गोइंग टू एक्चुअली फाइट अ वॉर, बट आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ गेम ऑफ क्रिकेट। एंड कमिंग बैक टू व्हाई सानिया मिर्जा वाज ड्रैग्ड इन दिस कंट्रोवर्सी, एक वीडियो वायरल हुआ जहां शोएब मलिक सानिया मिर्जा नजर आ रहे हैं उस वीडियो में डिनर करते हुए फ्रेंड्स के साथ, और ये वायरल हुआ आफ्टर इंडिया पाकिस्तान मैच। तो लोगों को लगा कि हारने के बाद इन लोग जाकर डिनर कर रहे हैं, दे आर लाफिंग, दे हैविंग अ गाला टाइम, एंड पीपल फेल्ट रियली हर्ट, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ वीडियोस स्टार्टेड गोइंग वायरल। लेकिन यहां पर वीना मलिक जो एक पब्लिक फिगर है, वेयर यू नो इवन इंडियन पीपल नो हर बिकॉज शी वाज इन बिग बॉस, आल्सो शी काइंड ऑफ रीट्वीटेड दैट वीडियो एंड क्वेश्चन सानिया मिर्जा दैट यू टुक अ चाइल्ड टू अ शीशा प्लेस, इजंट इट हैजार्डस, एंड आल्सो इजंट यू नो वेयर यू आर, इट्स अ जंक प्लेस, सम आर्चीज प्लेस जहां पर जंक फूड मिलता है, इजंट दैट अनफिट फॉर द पाकिस्तानी प्लेयर्स। एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ कोर्स सानिया को एक काफी प्राइवेट यू नो देयर वाज लाइक एन अटैक एट like a very personal attack that happened, lekin uske baad bhi she kind of held her cool and she said ki yaar mera bachcha hai, I think I know what is the best for them, and I don't think I need to mother somebody, or I'm not the dietitian, or I'm not taking care of somebody's diet, they can make their own personal choices ki kisko kya karna hai. Yeah. and also like looking at this, they are athletes, I mean I'm sure they go through a lot of training, they do go through very strict diet, if they were to cheat on their diets, I mean this is their personal call, because this will show and affect their work and उसकी
responsibility very late. As a nation, we can't stand out. And not necessarily you go to a junk place and you end up eating. Sometimes you're just accompanying your friends there. And even if you did eat, matlab, this is your decision. Like, yeah. This is your career. You are going to project that and you can do whatever you want to and escape bar. Right. I think Veena Malik, Sania ne ek aur post kiya and she said ki, how you shouldn't be doing this to me. Kyunki aapka, aapki to, because probably what is hazardous more than me taking my child to a hookah place is your pictures on a magazine cover jahan par cheeze Sania ke liye thodi gadbad ho gayi. But she also later deleted that tweet. Right, because she spoke about how, you know, your indecent pictures could be more hazardous than me going to a dinner place. And kahin na kahin slut shaming hua yahan par. Veena Malik ne ye apne Twitter account par likha ki just because I'm a controversial lady, you cannot put these kind of allegations on me. Kyunki sabko pata hai jo magazine cover kiya ba कर रहे हो, it was a morphed picture of me and it wasn't truly me. और यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा personal हो गया. But good on Sania Mirza that she realized maybe and that's why she deleted that tweet soon after. क्योंकि slut shaming in any way and to anybody is not cool. Right. No, a woman cannot bring other woman down. Absolutely. And it goes for Veena Malik as well. क्योंकि she tried to put Sania Mirza down in her first tweet itself there. But you know, Saga, I think that's also a really big point जो हमको जिसके बारे में बात करनी चाहिए. Because even if the pictures were not morphed, I know कि Veena Malik came out with a statement and she said ki yaar, I did something, I'm not very proud of it and it was a morph picture. But I have to say ki even if it wasn't a morph picture, agar ye unka decision hota ki wo ye picture rakhna chahti hain, apne bachcho ko dikhana bhi chahti hain over the years, I mean it's her decision. Yeah. And that cannot be called out on, and good that Sania realized that she can't make those personal attacks. Yeah. She deleted that tweet and uske baad Shoaib Malik also came forward and he said, because lot of fans were also pointing out ki kaise ye jo video hai, ye 7 ghante pehle India Pakistan World Cup match से पहले शॉट हुआ रात को 2 बजे जो गलत था. एंड शोएब मलिक वेंट आउट एंड ही ट्वीटेड सेइंग कि नहीं, ये 15 जून का नहीं है, ये 13 जून का वीडियो है. सो देयर वर लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशंस दैट वर फायरिंग एंड वी हैव सीन, एंड आई थिंक वी ऑलरेडी सी कि यार ये पाकिस्तान मीडिया में अभी भी लॉट ऑफ फैंस आर शोइंग द डिस्ट्रप्शन, शोइंग दैट हाउ हार्ट ब्रोकन दे आर, जो शायद किसी भी देश के साथ होता. बट एक रूल हमें हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, उनकी फैमिलीज को कभी ड्रैग ना करें. एंड हियर इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन बिकॉज शोएब मलिक इज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, सानिया मिर्जा प्लेस फॉर इंडिया, इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स वी हैव नोन. तो उनका इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस करना नेशनलिज्म एंड द पर्सनल इक्वेशन, दे हैव ऑलवेज बीन अ सॉफ्ट टारगेट फॉर पीपल एंड आई थिंक दैट शुड समवेयर स्टॉप. एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू इंडिविजुअली रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट question their loyalty towards the nation. Aur yahan par Sania Mirza ne last mein yahi tweet likha hai that really Twitter cracks me up and some people for sure. You guys really need other mediums of taking your frustrations out. Peace out guys, it's break time. So she is kind of hinting at enough is enough. Yeah. Ye controversy jo hai ye bewajah ki controversy hai. Let people live their lives and everyone knows their own responsibility, whether it's a cricket team, whether it's a family, whether it's a mother.